लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार घमासान बचा हुआ है। बीजेपी ने अपनी कमर कस रखी है। लगातार पार्टियों में प्रधानमंत्री और उनके कार्यक्रम की कवायद चल रही थी। अब वो समय आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट उत्तराखंड पर। धन्यवाद, बहुत बहुत सर, क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का और कहाँ कहाँ जनसभा होने वाली है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 अप्रैल को नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में रुद्रपुर में मोदी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी मोदी जी की जनसभा की तैयारियों में जुट गए हैं और उत्तराखंड की जनता में यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं में मोदी जी के स्वागत के लिए अपार उत्साह है और हमारा अनुमान है कि 1 लाख से अधिक जनता 2 अप्रैल को मोदी जी को सुनने के लिए मोदी मैदान रुद्रपुर में एकजुट होगी। अच्छा सर, प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई थी, उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि लगभग सभी विधानसभाएं मोदी जी कवर कर लें, ऐसे हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं। हमने 5ों लोकसभा में एक एक कार्यक्रम मोदी जी के मांगे हैं। अभी एक कार्यक्रम की स्वीकृति हमको 2 अप्रैल को मिली है और हमारा अनुमान है कि अभी 2 सभाएं कम से कम मोदी जी की हमको उत्तराखंड में मिलेंगी। अच्छा सर, अगर बात करें केंद्रीय नेतृत्व की, तो जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, अमित शाह हों, इन सबकी भी कार्यक्रम मांगे गए यहाँ से। हमने लगभग 16 नेता हमारे केंद्रीय नेता जिनके स्टार प्रचारक के रूप में उत्तराखंड चुनाव प्रचार में आने की संभावना है और इसी के साथ में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ये प्रमुख रूप से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इनकी बहुत डिमांड उत्तराखंड में जगह जगह से है। तो ये सभी वरिष्ठ नेता चुनाव में उत्तराखंड का दौरा करेंगे, जनसभाएं करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का 3 अप्रैल को एक जनसभा पिथौरागढ़ में, दूसरी जनसभा विकासनगर में प्रस्तावित है, आज ही लगभग फाइनल हो जाएगी। 4 अप्रैल को नड्डा जी हरिद्वार में एक रोड शो का कार्यक्रम करेंगे और साधु संतों के साथ में बैठक करेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। अच्छा, आपने लोकप्रियता की बात की, सर ये जानना चाहेंगे, अभी कुछ जगह से पता चल रहा था कि योगी मतलब मोदी के बाद सेकंड नंबर पर योगी की भी डिमांड आ रही है कई जगह से, कई लोग कह रहे हैं कि उनको बुलाया जाए। योगी जी की भी डिमांड काफ़ी आ रही है जगह जगह से, अमित शाह जी की भी बहुत जगह से जो है क्षेत्र से कार्यकर्ताओं ने, प्रत्याशियों ने जो है डिमांड की है। तो मुझे लगता है कि योगी जी के भी दौरे होंगे, अमित शाह जी की भी होंगे, राजनाथ सिंह जी की भी होंगे और जैसे जैसे हमारे 16 केंद्रीय नेता हमारे स्टार प्रचारक के रूप में उत्तराखंड के लिए नियुक्त हुए हैं तो सभी की जो है किसी की कम किसी की ज़्यादा ऐसी सभाएं हमारी 17 अप्रैल तक चली। अच्छा सर, बात करें बीजेपी की कैडर बेस पार्टी है, संकल्प पत्र का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, उसके संकलन के लिए विचारों का भी मांगा गया यहाँ से काफ़ी गए, उसमें पहाड़ के संरक्षण की बात हो, पर्यावरण संरक्षण की बात हो, पलायन रोकने की बात हो, तमाम चीज़ें हैं, क्या कुछ यहाँ से भेजा गया है सर संकल्प पत्र के लिए? इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्यक्रम तय किया था कि पार्टी का जो घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र है पार्टी का, वह जन जन के सुझावों के आधार पर तैयार किया जाए। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में सभी वर्गों से, चाहे किसान हैं, युवा हैं, महिला हैं और व्यवसायी लोग हैं, दुकानदार हैं, सभी वर्गों से सुझाव मांगे थे कि भारतीय जनता पार्टी को अपने घोषणा पत्र में किन किन बातों को शामिल करना चाहिए। और ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, ये बड़ी गर्व की बात है कि उत्तराखंड से 70,000 से अधिक सुझाव भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 40% सुझाव केंद्र सरकार से संबंधित थे और 60% सुझाव हमारी राज्य सरकार से संबंधित थे। हमने सभी सुझावों को संकलित किया है, उनको लिपिबद्ध भी किया है। केंद्र सरकार से संबंधित, केंद्रीय जो हमारा घोषणा पत्र जारी होने वाला है उससे संबंधित जितने प्रस्ताव हैं वो हमने केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए हैं और राज्य सरकार से संबंधित जो प्रस्ताव है उनका राज्य सरकार विचार करेगी, उनको क्रियान्वित भी करने का प्रयास करेगी। तो हमारा जो घोषणा पत्र है केंद्र का, वह जन जन के सहयोग से, जन जन के सुझाव से तैयार होने वाला घोषणा पत्र, संकल्प पत्र रहेगा। सर इसमें एक बात थोड़ी हास्यास्पद भी रही, कई लोगों ने कहा कि हमारा मोदी जी से राम राम कह दीजिएगा, ऐसी पर्चियां भी निकली थी, कुछ तरीके की था। ऐसा है कि मोदी जी को सभी लोग अपना अभिभावक मानते हैं, अपना गार्जियन मानते हैं और मोदी जी से सभी का विशेष लगाव है और उत्तराखंड वासियों का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी कई दशकों से उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं।
यहाँ श्री बद्रीनाथ जी, श्री केदारनाथ जी में उनका आना जाना बहुत लंबे समय से है, और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो लगातार यहाँ आते जाते रहे, और यहाँ के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी ने उत्तराखंड की धरती से ये बात भी कही है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ की प्रत्येक गतिविधि पर, प्रत्येक विकास योजना पर मोदी जी की सीधी नजर रहती है, यहाँ के विकास योजनाओं पर वो सीधी मॉनिटरिंग करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सर अंतिम सवाल, लोकसभा चुनाव के लेकर जो पांचों सीटों पर, चूंकि आप लंबे समय से महामंत्री पद पे हैं, सारा कर्णधार कहा जाए, तरीके सूत्रधार आप लाइन लेंथ भी तैयार कर रहे हैं, क्या स्थिति है सर चुनाव को लेकर, क्या लगता है? चुनाव की स्थिति बहुत अच्छी है, और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में अटूट विश्वास है। प्रदेश की जनता को ये लगता है कि प्रदेश का और पूरे देश का अगर विकास कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, और मोदी जी ने इन 10 वर्षों में वो करके भी दिखाया है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी इस बीच में चुनाव हुए हैं, जितने भी अभियान चले हैं, जितनी भी हमारी सभाएं हुई हैं, उनमें अपार जनसमूह जो है उमड़ा है, और जनता ने भरपूर अपना स्नेह, भरपूर अपना आशीर्वाद मोदी जी को दिया है, धानी जी को दिया है। तो मुझे लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें हम उत्तराखंड से 75% से अधिक मत हासिल करने में सफल होंगे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, और विपक्ष में जितने भी प्रत्याशी हैं सभी की जमानत जब्त होगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी, जो बता रहे थे कि विस्तार से चर्चा की, बताया कि जो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी अहम भूमिका है, विकास के मुद्दे कितने प्रभावी हैं, और साथ ही पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से यहाँ पर केंद्रित करेगी पूरे विपक्ष का, और फिर से यहाँ पर भगवा लहराएगा। कैमरे पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।